आप विद्यार्थी परिषद में थे और फिर आपका विवाह होता है 86 या 87 में? 86 मुझे। तो फिर आपको संगठन छोड़ना पड़ा होगा क्योंकि पूर्णकालिक कार्यकर्ता तो अविवाहित रहते हैं मेरे ख्याल से। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन विद्यार्थी परिषद में तो हाँ अविवाहित ही रहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद में कोई शादीशुदा प्रोफेसर हो सकता है। और मैंने 86 के आसपास मैंने तय किया कि अब मैं, पहले मैं सोचा था कि जिंदगी भर में होल्टाइमर रहूँगा। अच्छा। बाद में मुझे एक स्टेज में लगा कि पूरी जिंदगी पूर्णकालिक रहना आसान काम नहीं है, इसलिए मैंने तय किया था कि 35 वर्ष की उम्र होते होते अगर शादी होगी तो शादी करूँगा, अगर 35 तक शादी नहीं किया तो मैं जिंदगी भर प्रचार के नाते काम करूँगा। घर वालों का इन सब पे क्या दबाव रहता था? घर वाले तो शुरू में बहुत नाराज रहते थे, माँ पिताजी वगैरह की कहाँ बर्बाद कर दिया, जिंदगी बर्बाद हो गई, संग में बेच दिया, दुकान चलती थी पिताजी की, दुकान पर ही बैठ कर ये क्या करने लगे, फिर इमरजेंसी हुई तो घर के लोग परेशान, गिरफ्तारी, जेल, जेल आना जाना करना, और कभी घर के लोगों ने इन चीज़ों को कभी देखा नहीं था। लेकिन जब मैं जेल गया इमरजेंसी में खास करके, तो हमारी मदर जो हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग विल पावर की थे। अच्छा। तो वो ये नहीं, श्रीमती रत्ना देवी, तो उनको ये नहीं लगता था कि ये गलत है, लेकिन ये लग रहा था कि शादी विवाह करना चाहिए, घर में रहना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। हम लोगों ने तो उनको संग में भेजा, तो गोविंद जी को कहते थे कि आपने, गोविंद जी के मेरे घर में बहुत आना जाना था, लेकिन किसी को ये हिम्मत नहीं थी गोविंद जी को ये कहे कि आप मेरे लड़के को जो है बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मेरे पिताजी वगैरह कोई नहीं चाहते थे, उनको लगा कि अब ज़्यादा हो गया, शुरू में गए तो ठीक है, तो इसलिए उन्होंने रोकने का बहुत प्रयास किया। लेकिन एक बार मैंने जो दिशा पकड़ ली तो फिर उस दिशा के हम लोग निकल पड़े। तो फिर मैंने तय किया कि मैं विवाह करूंगा संजोग से। मैं चाहता हूं कि आप उस विवाह के बारे में विस्तार से बताएं, दो वजहों से, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का बहुत पक्षधर हूं कि इस देश में खूब सारे अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह होने चाहिए, और आपका विवाह इन सब चीज़ों से चर्चा में भी रहा, जो वाजपेयी साहब का विवाह के समारोह पर दिया गया वक्तव्य हो या दूसरे संघ के लोग आए। नहीं, ये संजोग था मेरे मन में, और चूंकि विद्यार्थी परिषद और आंदोलन में काम करने के कारण जाति धर्म ये कोई विषय नहीं था कि किस जाति में करना या नहीं करना, और घर के लोगों के मन में था कि भाई किसी से शादी कर लो। घर में ये नहीं था कि जाति में, इस महीने में प्रगतिशील लोग थे घर के लोग जो हैं। और संजोग था कि मेरी मुलाकात हो गई, जो आज मेरी पत्नी है उनसे मेरी मुलाकात हो गई, जैसी जी वो बॉम्बे में थी, एक स्कूल में पढ़ाती थी वो। अच्छा। और हम लोग ट्रेन से यात्रा कर रहे थे जी। मैं विद्यार्थी परिषद के काम से लौट रहा था मुंबई से, हेडक्वार्टर मुंबई था जी। और वो उसी कोच में ऊपर के बर्थ पर कश्मीर जा रही थी वो। अच्छा। वो कोई बर्ड वॉचिंग का वो कोई प्रोग्राम था, उसके लिए जा रही थी कश्मीर। इंटरेस्टिंग। और एक लंबी यात्रा थी, 36 घंटे की यात्रा मुंबई से जो भी रूट था। तो वहीं भेंट मुलाकात हो गई, परिचय हो गया, और परिचय बढ़ता चला गया जी। लेकिन एक अच्छी बात मैं कहूँगा कि कभी भी संघ के लोगों ने, हाँ, जो संघ के बारे में एक आम धारणा है, एक भी संघ के व्यक्ति ने कभी नहीं कहा कि तुम मैंने गलत कर रहे हो, और लोगों ने कहीं ना कहीं इनकरेज किया। और जब शादी तय हो गई तो उस समय RSS के जो भी हो सकते हैं वो सारे लोग शादी में शामिल होने के लिए आए। नाना जी देशमुख आए, भावराव देवर उस जमाने में संघ के अंदर नंबर 2-3 में थे, बड़ा साहब के भाई थे इस कारण से नहीं, लेकिन और यूपी बिहार वगैरह के अपना भी और वो और वो जनसंघ को देखा करते थे, जनसंघ के मार्गदर्शक थे भावराव देवरस। तो केवल शादी अटेंड करने के लिए आए वो, और संघ कार्यालय के बगल में ही शादी हुई। अच्छा। जो शाखा का मैदान है मेरे घर के बगल में, संजोग से था, उसी मैदान में शादी हुई। और जो सबसे बड़ी बात ही वो अटल जी का आना, और अटल जी को मेरा बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था, मुझसे नाम से जानते होंगे, कार्यकर्ता इतना ही था, इससे ज़्यादा बहुत नहीं था कि बहुत उनसे कोई मैं कभी ज़्यादा मुलाकात हुई हो। मैंने एक पोस्ट कार्ड डाल दी, ये सोच कर ही डाला था कि वो आएंगे, और मैंने एक पोस्ट कार्ड डाल दिया, और उसमें ये जरूर लिखा मैंने कि अंतर जाति अंतर धार्मिक विवाह अगर आप आकर आशीर्वाद दे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया कि अटल जी का जवाब आया कि मैं आ रहा हूँ। और उस जमाने में अटल जी सांसद नहीं थे, और उस जमाने में उस समय पूर्व सांसदों को कोई कूपन भी नहीं था, उसके कुछ समय बाद राज्यसभा में गए बाद में हुआ, और वो समय था जब
अटल जी ने अपना टिकट कटाकर प्लेन से जो मैंने तो ना रिसीव करने गया ना ठहराने गया, तो पार्टी के लोगों ने किया। अटल जी आए, पूरे शादी में रहे, उन्होंने भाषण किया शादी के अवसर पर मंच से, फिर रात को जो भोजन था उस पर रहे वहाँ पर। तो ये मैं जो अटल जी के बारे में करते कि सोशल इश्यूज़ के बारे में, जो मैंने आरक्षण का जिक्र किया कि आरक्षण के मुद्दे पर अटल जी ने जो स्टैंड लिया 77 के अंदर, और नहीं तो शादी में क्या है, कोई अभी दिल्ली से चलकर आना उस ज़माने में एक दो फ्लाइट चला करती थी। तो अटल जी कहीं ना कहीं इस तरह के सोशल इश्यूज़ को समाज का सैंक्शन मिलना चाहिए, समाज का समर्थन मिलना चाहिए, ये कहीं ना कहीं अटल जी की सोच थी, इसीलिए वो चलकर आए आशीर्वाद देने के लिए। और अंत में उन्होंने कहा अपने भाषण में जी, क्योंकि आर्य समाज तरीके से शादी हुई, मंच लगा था और कोई भोजन वगैरह नहीं था, केवल लोगों को कोल्ड ड्रिंक और एक मिठाई थी, और एक घंटे की टोटल शादी थी 50 मिनट की। और शादी के बाद नाना जी देशमुख, भौरव देवरस, बाल आप्टे जो विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, गोविंदाचार्य जी, और अंत में अटल जी, इनका 5-5 मिनट का भाषण हुआ। और अटल जी ने अंत में भाषण में कहा कि सुशील जी, अब तो आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, अब आप तो विद्यार्थी भी नहीं रहे, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप आइए भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होइए, आप पार्टी का काम कीजिए। तो उन्होंने तो कहा मैंने कि उनके कार्य में गया ऐसा नहीं, चूँकि वो तो जुड़ाव था एक दूसरे का जो है, तो ये एक तीसरे अटल जी की जो खासियत है इन चीज़ों के बारे में, ये बहुत बड़ी बात है।